नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। और अभी आप सब देख रहे हैं मूवी हरी धुन चैनल। और मैं मेन चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो नहीं डाल रहा था, और इसलिए मैं नहीं डाल रहा था कि मेरा म्यूजिक का कैटेगरी था और आप सबके आशीर्वाद से मैं कहाँ था और मैं कहाँ अभी आ चुका हूँ म्यूजिक के लाइन में। ठीक है, आप सबके आशीर्वाद से बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, हिंदी गाने का, हिंदी फिल्म का, भोजपुरी का, है ना, बंगाली का, हर गाने का म्यूज़िक मैं कंपोज कर रहा हूँ। और वो भी मैं जो कि काम करता हूँ बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो रहा है, और जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं लोगों को फिल्म का काम मिलता भैया, नहीं कि ऐसे कुछ भी बजा दिए तो आप सबको फिल्म का काम मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, एक म्यूज़िक 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का, जैसे बजट होते हैं, जैसे लोगों का काम होता है, वैसे फरमाइश होता है, उस टाइप से इंस्ट्रूमेंट का मैं यूज करता हूँ, है ना। तो बहुत ज्यादा म्यूजिक मैं कंपोज कर रहा हूँ, बस आप सबका आशीर्वाद था। और आइए कुछ म्यूजिक आप सभी को जो कि मैं क्रिएट किया हूँ, देखिएगा यहाँ पे जो है मैंने गिटार का प्रयोग किया है और कोड का। देखिए मैं रिदम को मैं बंद कर रहा हूं, देखिए और देखिए मैं और भी प्रोजेक्ट आप सभी को दिखाना चाहूंगा, है ना। तो आप सब लाइन पे बस रहिएगा, मैं कैसा कैसा म्यूजिक अभी कर रहा हूं, और बस आप सब के आशीर्वाद ही है तभी तो ऐसे ऐसे म्यूजिक मैं कर रहा हूं। और इसके बाद में आइए एक और मैं गिटार का प्रयोग मैंने किया है, इसको भी मैं सुनाना चाहूंगा आप सबके लिए। तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि मुन्ना भाई जो आप बजा रहे हो ट्रैक बजा रहे होगे, लेकिन आपको हर एक एक पार्ट आप सभी को मैं सुनाना चाहूंगा, हर एक पार्ट। देखिए गिटार, मैंने अभी रिदम को बंद किया है, रिदम को देखिए, ये रिदम है, दिखाना चाहेंगे कैमरामैन जी, देखिए रिदम है, देखिएगा, और मैं इसको बंद किया, देखिएगा और एकॉर्डियन का साउंड देखिए कितना प्यारा सा एकॉर्डियन। और आप इस साउंड को आप लोग पहचानते ही होंगे कि कैसा साउंड है ना, तो आप लोग तो बहुत जानते हैं, है ना। और भी आइए वीएसटी के बारे में,
है ना। तो देखिए आप सभी स्टूडियो वाले भाई, देखिए स्टूडियो खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी खोल सकता है, लेकिन आप सबके पास सबसे बड़ी जरूरत जो चीज है सीखना भी है। ऐसा नहीं कि आप खोल लो और उसके बाद में काम हो जाता है। पैसा हो जाने से ना कोई आर्टिस्ट नहीं हो जाता, कपड़ा पहन लेने से कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं हो जाते हैं, है ना। तो पहले म्यूजिक को सीखा जाता है, म्यूजिक को मतलब संगत में आके उनका बुद्धि लेना पड़ता भैया, है ना। तो मैंने काफी ज्यादा म्यूजिक को मैंने सीखा है, दिमाग लगाया है, तभी जाके मैंने इतना सारा हासिल मैंने किया है, है ना। तो फिल्म का म्यूजिक बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और भोजपुरी में कैसे, देखिए अगर आप सभी को ट्रैक बनाना नहीं आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। BST के बारे में पूछना है तो BST मैं देता हूँ। रिदम के बारे में अगर आप सभी को लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, रिदम भी मैं देता हूँ, है ना। और ट्रैक बनवाना तो ट्रैक भी बना सकते हैं। आइए कुछ भोजपुरी पैटर्न आपको सुना देते हैं। भोजपुरी पैटर्न आपको तुरंत सुना रहा हूँ, देखिएगा रिदम के साथ और नो रिदम के साथ, देखिएगा। देखिएगा आपको रिदम हटा दिया, रिदम को बंद कर दिया, आप देख रहे होंगे सीधा सीधी कंप्यूटर में, है ना। अब आइए कोड से चलते, सिर्फ कोड। म्यूजिक मैं कंपोज करता हूं, मैंने कितना बार बोला आपको, है ना, इसके लिए सॉरी। और ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि मैंने वीडियो के बारे में आप सभी को बता दिया। और ये वीडियो मैं नहीं डालता हूं और आप सभी को मैं समझा दिया, मैंने लाइव खोल लिया अपना, म्यूजिक कौन लेकर रहा है, ठीक है। तो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, धन्यवाद आप सबको।